पहले चीज़ की निरीक्षण किस लिए किया गया है? दूसरी चीज़ सर ये है कि जो आप कह रहे थे कि एक्सरे और सीटी के लिए, तो उसके लिए आप कह देंगे तो वो चल जाएगा। देखिए जनपद में आपके यहाँ PPP मॉडल के माध्यम से सीटी की सुविधा उपलब्ध है, बहुत अच्छे सीटी क्वालिटी का सीटी यहाँ पे होता है। तो आप सभी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कोई भी पेशेंट हो अगर उसको अपना लग रहा हो कोई तकलीफ हो तो यहाँ आके जिला अस्पताल में दिखाए और यहाँ के जो डॉक्टर हैं उसको रेफ़र कर देंगे, तो यहाँ फ्री सीटी की सुविधा है और ये बहुत अच्छा सीटी है, तो यहाँ पे आके सुविधा ले सकते हैं। इसी तरह से एक्सरे की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। एक्सरे मेरे ख्याल से नॉमिनल रेट पे फ्री है, वो भी फ्री है। एक्सरे भी जो है पूरा फ्री है और सीटी दोनों फ्री हैं, तो यहाँ आके सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आज एक यहाँ पे इंस्पेक्शन किया था, तो इंस्पेक्शन में साफ सफाई तो खैर ठीक मिली है, लेकिन LT जो यहाँ तैनात हैं वो लोग ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से इस समय अनधिकृत रूप से गायब रहते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे SIC साहब को कहा है, उन सब की लिस्ट तैयार करेंगे कहाँ हैं किधर हैं, और जो 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 अनधिकृत रूप से जो है एब्सेंट होंगे, हाँ जो अनधिकृत रूप से एब्सेंट होंगे उनका वेतन रोका जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा एक LT यहाँ पे पाए गए जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है, तो उनका मेडिकल कराने के लिए कह दिया गया है, और यदि मेडिकल में ये सही में पाया जाता है कि वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में होंगे तो उनकी सेवाएँ समाप्त की जाएंगी। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि अगर कुछ और मशीन मिल जाए तो उनको जांच करने में और ज़्यादा सुविधा होगी, तो मैंने SIC साहब से अनुरोध किया है कि वो सब मशीन की लिस्ट बना लें और वो CMO साहब को दे दें। मैं जिलाधिकारी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो उनके पास इस समय फंड्स अवेलेबल हैं उससे वो मशीन खरीदवाएँ, जिससे कि यहाँ पर मरीजों का और अच्छा इलाज हो। कुछ कमियाँ पाई गई? मैंने आपको बता दिया कमियाँ क्या क्या थी। देखिए कमियों में एक वो LT के बारे में बताया था, एक इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में एक LT मिले थे उनके बारे में बताया था। देखिए अभी ऐसा है, अभी हम जो है ना अभी इसमें एक युद्ध लड़ रहे हैं, वो चीज़ जो है एक वाली है, इस युद्ध को ख़त्म कर लेंगे उसके बाद उसको भी देखा जाएगा। वो मेरे उसमें है, मेरे एजेंडे में है। अभी हमें जो है आने वाले 10-15 दिन का कोविड पर पूरा फोकस करना है, कोविड पर फोकस हटके ये दूसरा फोकस आयुष्मान योजना पर ही रहेगा। समाप्त है। रेबीज कह रहे हैं क्या? रेबीज की क्या स्थिति है सर? वो मांगा हुआ है, हमें मिल पाएगा रेबीज क्या आपके यहाँ से? हमारे यहाँ क्या सब कार्पोरेशन आपके यहाँ से भी खत्म है? तो चलिए वो हम डिमांड कर लेंगे और उसको जल्दी से मंगवाते हैं, उसको कहीं से व्यवस्था करा के यहाँ पे एंटी रेबीज की व्यवस्था करवाते हैं। धन्यवाद।